मुंडेली जिले के सरगांव इलाके में बिलासपुर सरगांव टोल प्लाजे के पास बिलासपुर रेंज के पुलिस परिवार और युवाओं की टीम एक सप्ताह से रोजाना हजारों मजदूरों को निःशुल्क खाना वितरित कर रही है। युवाओं की ये टीम बिना किसी सरकारी मदद के निस्वार्थ भाव से मजदूरों की सेवा कर रही है। कोरोना के संकट काल में सरकार के साथ हर एक वर्ग को सामने आकर जरूरतमंदों की सहायता करने की जरूरत है और इसका प्रयास दूसरों को भी करना चाहिए जो दूसरों के लिए प्रेरणादायी है। भोजन परोसते हुए युवाओं की टीम से जब स्वराज संवाददाता रोहित कश्यप ने इस अनोखी पहल को लेकर खास बातचीत की तब उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। बिलासपुर रेंज की पुलिस परिवार एवं युवाओं की टीम के द्वारा रायपुर बिलासपुर हाईवे रोड पर सरगांव में एक अनुकरणीय पहल की जा रही है। यहाँ पास जो लोग पैदल या वाहनों में सवार होकर जो मजदूर अपने गंतव्य के लिए जा रहे हैं, चाहे दूसरे प्रदेश में जा रहे हो या जिले में जा रहे हो, उनके लिए एक अनोखी पहल करते हुए यहाँ पर भोजन की व्यवस्था की गई है। वाकई में सराहनीय है। हमारे पास जो युवाओं की टीम है उनसे जानना चाहते हैं कि आखिर कितने दिनों से ये सब व्यवस्था किया जा रहा है। जी बताएंगे, आइए, जो पहल है आप लोग के द्वारा किस मन से शुरुआत की गई थी और कब से ऐसा कर रहे हो? ये हम लोग का यहाँ पर आज सातवां दिन है, जो बिलासपुर रेंज के माननीय आईजी साहब के निर्देशन अनुसार और उनके लगातार मार्गदर्शन माननीय एसपी साहब प्रशांत अग्रवाल साहब, एडिशनल एसपी ओम प्रकाश शर्मा सर, कलीम सर, संजय ध्रुव सर, ये लोग के निर्देश पर हम लोग निरंतर यहाँ पे 24x7 खाना हमारा बन रहा है और हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि यहाँ से गुजरने वाले हर एक अंतिम आदमी तक के हमारा भोजन उनके पेट में पहुंचे और उसके साथ ही ग्लूकोज से व्यवस्था, बिस्किट की व्यवस्था, हर व्यवस्था हमने करी हुई है। संख्या में जो युवाओं की टीम है वो मौजूद है और हर एक अपनी जिम्मेदारी को बखूबी से निभा रहे हैं, वो भी निस्वार्थ भाव से, तो कहीं ना कहीं इनके प्रेरणाओं को दूसरे जिलों में भी युवाओं को लेने की आवश्यकता है। जी कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग जो व्यवस्था कर रहे हैं ऐसे समय में? अब ऐसे अभी पूरा आप सभी लोग जानते हो कि पूरा देश का पूरा इस जहां इस कोरोना जैसे महामारी संकट से गुजर रहा है। अब बहुत ही कम लोग इसमें लॉकडाउन में लोगों की मदद करने के लिए निकले, जिसमें हमारे बिलासपुर के मार्गदर्शक जो तौसीफ भाई और पुलिस प्रशासन आईजी साहब के नेतृत्व में काम हो रहा है। अब हम लोग लगभग 7 दिन हो गया, 7वां दिन है, 24 घंटा हम लोग यहाँ लगभग 2500 से 3000 मजदूरों लोगों को रोज खाना खिला के जो सुकून हम लोग को प्राप्त हो रहा है वो अब कभी नहीं हो पाएगा। ये जो लाइन है वो आज ये मजदूरों की नहीं बल्कि ये भूख की लाइन है, क्योंकि लोग भूख से दूसरे प्रदेश से अपने गंतव्य जाने के लिए व्याकुल है और ऐसी स्थिति में उनके समय पर अगर पेट के लिए अगर व्यवस्था की जाए तो कहीं ना कहीं ये अनुकरणीय पहल है और इस पहल को अन्य लोगों को भी करने की जरूरत है ताकि आज कोई भी भूखा ना सो सके और ना ही कोई भूखा पैदल यात्रा या वाहन से कर सके। कैमरामैन नईम खान के साथ रोहित कश्यप, स्वराज एक्सप्रेस, मुंगेली।